साथ मेनका चौधरी। दूसरे चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। यूपी की 8 सीट पर आज मतदान हुआ। लाइन में लगे लोग ही अब वोट डाल सकेंगे। 8 सीट पर 5 बजे तक 52.64% वोटिंग हुई है। अमरोहा में की अगर बात की जाए तो यहां 61.89% वोटिंग हुई शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। वहीं मेरठ की बात की जाए तो शाम 5 बजे तक 54.62% मतदान, बागपत में 52.74% मतदान, तो वहीं गाजियाबाद में 5 बजे तक 48.21% वोटिंग हुई है। गौतम बुद्ध नगर में 51.66% मतदान, बुलंदशहर में 54.34% वोटिंग हुई है। अलीगढ़ में शाम 5 बजे तक 54.36% मतदान हुआ, तो मथुरा में 46.96% वोटिंग। दूसरे दौर में इन 8 सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है। अभी जो लाइन में लगे हैं लोग वो ही वोट कास्ट कर सकेंगे, नए मतदाता लाइन में नहीं जुड़ सकेंगे। तो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का वक्त, दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो गई है। पूरे देश की अगर बात की जाए तो 88 लोकसभा सीटों पर आज वोटिंग हुई है, और वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 8 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ। 91 कैंडिडेट चुनावी मैदान में, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से। इन सब की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो चुकी है। 4 जून को नतीजे आएंगे, जब काउंटिंग होगी, पूरे देश की काउंटिंग होगी तब नतीजे आएंगे। लेकिन आज 8 सीटों पर जहां मतदान हुआ है, परसेंटेज हम आपको दिखा रहे हैं, शाम 5 बजे तक क्या वोट प्रतिशत रहा। अभी जो कतार में लोग लगे हैं, लाइन में लगे हैं, वो वोट कास्ट कर सकेंगे। न्यूज 18 पर आप देख रहे हैं मतदान कितना हुआ शाम 5 बजे तक, प्रतिशत में ये हम आपको दिखा रहे हैं। बागपत 52.74% मतदान बागपत में हुआ है। वहीं बात अगर हम गाजियाबाद की कर लें, शहरी इलाके हैं, 48.21% मतदान। इस मतदान को भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। 51.66% वोटिंग गौतम बुद्ध नगर में हुई है। शहरी इलाकों में खासकर वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। बुलंदशहर में 54.34% मतदान हुआ है। हालांकि अभी उन लोगों की काउंटिंग इसमें नहीं है शामिल जो अभी कतार में ही लगे, जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया है। अलीगढ़ 54.36% मतदान हुआ है। मथुरा 46.96% वोटिंग हुई है शाम 5 बजे तक का ये आंकड़ा है। उसके बाद जिन लोगों ने वोट कास्ट किया है, जो कर रहे हैं, वो फाइनल जब आंकड़ा आएगा वो भी न्यूज 18 आपको बताएगा। तो चलिए, दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। अभी कई जगहों पर लोग कतार में लगे हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं। गाजियाबाद से फराह खान हमारे साथ मौजूद हैं, अमरोहा से राजीव सिंह हैं, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हैं, बागपत से पवन गौड़ हैं। सबके पास बारी बारी से चलते हैं। सबसे पहले बागपत का रुख कर लेते हैं। पवन, यहां पर मामला बहुत दिलचस्प है। पिछली बार चीजें अलग थी, इस बार आरएलडी और बीजेपी एक साथ है, एनडीए गठबंधन है और आरएलडी के खाते में ये सीट गई है। वोट प्रतिशत के लिहाज से और लोगों में किस तरह का उत्साह देखा? हालांकि शाम का वक्त है, देखिए अभी भी मतदान जारी है, लेकिन आपके पीछे बिल्कुल सन्नाटा दिख रहा है। देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ जो मतदाताओं में जो उत्साह दिखना चाहिए था बागपत सीट पर, क्योंकि जाटलैंड की सीट है, जो चौधरी परिवार का बहुत पुराना रिश्ता है सीट से, खुद चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री से लेकर अजीत सिंह तक यहाँ से सांसद रहे हैं। उसके बाद में हालांकि 2014 में बीजेपी इस सीट को जीती थी, 19 में भी बीजेपी ने ये सीट जीती, इस बार बीजेपी और आरएलडी गठबंधन में ये आरएलडी के लिए सीट चली गई, लेकिन वोटरों में इस बार जो है उत्साह बहुत ज्यादा दिखा नहीं था। पिछले अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, तकरीबन 65% मतदान बागपत के अंदर हुआ था। इस बार सिर्फ अभी तक अगर 5 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो 52.74% यानी तकरीबन 53% मतदान यहां तक हुआ है। अगर जिस बूथ की मैं बात करूं, यमुना इंटर कॉलेज में ये जो बूथ बनाया गया है, यहां पर भी तकरीबन 55% मतदान अभी तक 5 बजे तक की अगर रिपोर्ट्स की बात करें तो हुआ है। वोटर्स में बहुत ज्यादा उत्साह दिखाई नहीं दे रहा है, हालांकि चूंकि आंकड़े जो है वो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन है, तो संभवतः जो प्रतिक्रियाएं हैं जो निकल के आ रही हैं तमाम वोटर्स से जब बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गठबंधन के पक्ष में जरूर बातें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोटर्स के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह यहां भी दिखाई देने को नहीं मिल रहा है। पहले चरण में बहुत ज्यादा मतदान 3-4% कम हुआ, गर्मी एक बहाना हो सकता है, जो नेता है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, काम है, काम के बीच में हम कैसे मतदान के लिए जाएं। लेकिन चुनाव आयोग की ओर से भी तैयारियां की गई हैं, यहां पर शेड लगाए गए हैं, तंबू लगाए गए हैं, ताकि जो लोग आए, जो कतार में खड़े रहे, उन्हें परेशानी ना हो, बावजूद इसके वोट परसेंटेज का न बढ़ना, ये एक चिंता का सबब जरूर है। मेरठ का रुख कर लेते हैं, उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। उमेश, वहां की स्थिति क्या,
टीवी के राम अरुण गोविल वो चुनावी मैदान में है और मेरठ जब से अस्तित्व में आया है तब से बीजेपी का यहां पर दबदबा रहा है। इस बार जो लोगों का रुझान है, कितनी बड़ी तादाद में लोग निकले वोट कास्ट करने के लिए, क्या समझ में आ रहा है? यह देखिए, मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र में बेहद दिलचस्प मुकाबला, बेहद रोमांचक मुकाबला देखने को मिला है। यहां टीवी सीरियल रामायण के राम अरुण गोविल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और देवव्रत त्यागी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं, सुनीता वर्मा समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। 5 PM तक नियर अबाउट 57% के आसपास की पोलिंग है और ऐसा माना जा रहा है कि मेरठ की जनता पोलिंग परसेंटेज के हिसाब से 60% के ऊपर की परसेंटेज लाएगी और फर्स्ट डिवीजन से पास होगी। हालांकि जो पिछले बार का आंकड़ा है, 2019 का आंकड़ा है, वो 64% के आसपास था। क्या 64% के आंकड़े को पार कर पाता है? ये देखा मेरा दिलचस्प होगा। 54% ही वोटिंग हुई है तो 60% से बहुत दूर है, और ऐसा क्यों है? आपके साथ जो लोग मौजूद है उनसे भी जरा जानने की कोशिश कीजिए। जी, हम सीधा लोगों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे। ये बताइए कि आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, आप लोग बहुत उत्साहित दिखे और प्रचंड गर्मी में भी आप लोग आए, लेकिन पोलिंग परसेंटेज उतना नहीं बढ़ पाया जितने की अपेक्षा थी। आपने अपने मताधिकार का प्रयोग क्या सोचा?